फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यह पुल जो है खगड़िया मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाली है, जिससे कि है आम लोगों को मुंगेर खगड़िया और बेगूसराय जाने में काफ़ी कम दूरी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे या तो लखीसराय और भागलपुर होते हुए लोगों को घूम कर जाना पड़ता था, लेकिन इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद जो है वो दूरी कम हो जाएगी और आम लोगों को बेगूसराय खगड़िया और मुंगेर के लिए काफ़ी कम दूरी का तय करनी पड़ेगी। लगभग 21 वर्ष पूर्व जिस पुल का शिलान्यास भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, अब उस पुल का 2022 में जाकर जो है गाड़ियों का परिचालन अब शुरू हो पाएगा लंबे अरसे बाद। लेकिन पिछले 25 दिसंबर को ही इस पुल का उद्घाटन होना था अप्रोच पथ का, लेकिन कार्य पूर्ण होने की नहीं होने के कारण जो है उद्घाटन समारोह को स्थगित कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों इसका उद्घाटन होना था, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण जो है उद्घाटन कार्य रुक गया है। अभी आगामी 16 जनवरी को जो है संभावित उद्घाटन की तिथि रखी गई है और ये अप्रोच पथ का जो काम है वो जोर शोर से चल रहा है और यहाँ पे डीएम आज इसी कार्य का निरीक्षण करने के लिए आए हैं, कार्य की प्रगति देखने आए हैं कि किस हद तक जो है कार्य पूरा हुआ है और क्या लोगों के लिए जो है इस पुल को खोल दिया गया है। हालांकि बीते दिनों में भारत के पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने इस पुल का नामकरण भी कर दिया है, श्री कृष्ण सेतु इस पुल का नाम पड़ा है। यह पुल जो है खगड़िया मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाली है, जिससे कि है आम लोगों को मुंगेर खगड़िया और बेगूसराय जाने में काफ़ी कम दूरी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे या तो लखीसराय और भागलपुर होते हुए लोगों को घूम कर जाना पड़ता था, लेकिन इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद जो है वो दूरी कम हो जाएगी और आम लोगों को बेगूसराय खगड़िया और मुंगेर के लिए काफ़ी कम दूरी का तय करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुंगेर जिलाधिकारी जो है नवीन कुमार वो खुद आज आए हैं इस अप्रोच पथ का निरीक्षण करने के लिए और ये काम को और ज़्यादा तेज गति से बढ़वाने के लिए यहाँ पे जो है निर्माण एजेंसियाँ जो हैं उनके सारे अधिकारी और स्टाफ भी मौजूद हैं और वो डीएम के साथ मिलकर जो है काम की गति को देख रहे हैं। हालांकि 1 जनवरी होने के कारण 2-3 दिन जो है कार्य भी कुछ बाधित रहा था, लेकिन अभी निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। लेकिन जो स्थिति है अभी अप्रोच पथ की, उसमें कई जगह जो हैं अभी भी रोडें बनने बाकी हैं, कई जगह पुल जो है एक पुलिया जो है वो कंप्लीट होना बाकी है और लगातार जो है यहाँ पे काम दिन और रात चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि 16 जनवरी 5 दिन 6 दिन में ये काम पूरा होना नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है निर्माण एजेंसियाँ जो हैं वो लगातार लगी हुई हैं और जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हमारे साथ मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार जी। सर, क्या प्रोसेस है, कब तक कार्य पूरा किया कर लिया जाएगा? कार्य निश्चित रूप से 15 जनवरी के पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। ये अभी मेन ब्रिज पे जो बीसी बचा हुआ है वो बचा हुआ है, कुछ जीएसबी डब्ल्यूएमएम और बीसी का काम बचा हुआ है, बाकी सभी कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं। पेंटिंग वगैरह अंतिम स्टेज में है, तो 16th को जो होना है इनॉग्रेशन वो होगा और 17th से हम लोग सभी गाड़ियों के लिए पुल को खोल देंगे। सर, कौन कौन उद्घाटन समारोह में आने वाले हैं? अभी ये कोविड को देखते हुए वो अभी फाइनल नहीं हो पाया है कि कौन कौन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो। सर, एक सवाल है सर, जिस तरह से अप्रोच पथ बन रहा है उसके दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ क्या प्रोटेक्शन वाल भी दिए जाएंगे या वो ऐसे ही खुला रहेगा? हाँ, वो प्रोटेक्शन वाल के लिए इन लोगों ने भेज रखा है NHAI को, NHAI से सैंक्शन मिलते ही प्रोटेक्शन वाल लोग बनाएंगे।
अच्छा, इसके पूर्व ही इस पुल को खोल दिया जाएगा या तब तक के लिए बंद रखा जाएगा? नहीं नहीं, पुल तो चालू रहेगा ना, वो फ्लड के दिनों के पहले प्रोटेक्शन वाल बनना है, वो बन जाएगा। ठीक है, ये थे मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार जी। इनका कहना है कि 16 जनवरी को जो है उद्घाटन इसका, इस पुल का कर, इस श्री कृष्ण सेतु पुल का कर दिया जाएगा और दिन रात यहाँ पे जो है काम चल रहा है और 5 से 6 दिनों में इस अप्रोच पथ की जो समस्या है, जो कार्य हैं, वो सारे पूर्ण कर लिए जाएंगे। गोविंद कुमार, बिहार तक, श्री कृष्ण सेतु, मुंगेर।